फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डांसिंग लवर प्रैक्टिस चैनल। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। सो फ्रेंड्स, मेरा नाम मानसी खरे है और मेरे चैनल का नाम मानसी लव्स फैशन के नाम से है। मैं प्रकृति की सिस्टर हूँ और इस चैनल पे आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। आपको मेकअप टिप्स, शॉपिंग हॉल्स, अनबॉक्सिंग वीडियोस, प्रोडक्ट रिव्यू, लेटेस्ट कॉस्मेटिक प्रोडक्ट रिव्यू और बहुत सारी फैशन और लाइफ स्टाइल से चीजें आपको इस चैनल पे मिलेंगी। और आज मैं यहाँ पे आपके लिए लेके आई हूँ एक हाइलाइटर का रिव्यू, जो कि आपको बेबी मेरे हिसाब से आपको बहुत पसंद आना चाहिए। सो यदि आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जो कि मानसी लव्स फैशन के नाम से, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ ये इन कलर का हाइलाइटर, हाइलाइटर ब्रिक, जो कि 9 ग्राम की है। इसके बारे में आपको मैं पूरा डिस्क्रिप्शन देने वाली हूँ। ये जो 9 ग्राम की सिमर ब्रिक है, ये मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है और इसका ये नंबर 3 ब्रिक है। और इसके बारे में मैं आपको प्रॉपर तरीके से सारा डिस्क्रिप्शन दूंगी, किस टाइप की पैलेट है, सॉरी ये किस टाइप की ब्रिक है और इसे कैसे यूज करना चाहिए और ये कितनी अच्छी है, ये वर्थ बाइंग है या नहीं है, ईच एंड एवरीथिंग। ये मैंने अमेजोन से खरीदी थी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसके लिए स्ट्रिक्ट वार्निंग है, किसी के भी स्किन पे कोई इरिटेशन या स्किन प्रॉब्लम है किसी को, तो प्लीज फ्रेंड्स डोंट अप्लाई ऑन योर फेस, क्योंकि इसमें स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि आप इसको बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करें यदि आपको स्किन प्रॉब्लम है। तो इसके अलावा इसमें बहुत सारी चीजें हैं। ये जो ब्रांड है, ये मैन्युफैक्चरिंग हांगकांग की है और ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही अच्छा पिगमेंटेशन है इसका, मैंने चेक किया हुआ है और राइट नाउ मैंने इसे अप्लाई भी किया हुआ है, तो आप मेरे फेस पे ग्लो इसका चेक कर पा रहे होंगे। सो इसका जो नेट वेट है वो 9 ग्राम्स है। इसकी पैकेजिंग कुछ इस टाइप की है, ये इस तरह का दफ्ती का बॉक्स है, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे, जो कि इस टाइप का कुछ दिख रहा है। और मेन फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसकी एक चीज मुझे बहुत पसंद है, वो ये है कि इसमें जो ये बॉक्स है, इसके ऊपर से ही आपको इसके सारे शेड्स दिख जाते हैं। आप देख पा रहे हो इसमें सारे शेड्स दिख रहे हैं, इसमें 5 शेड्स हैं, ये सारे शेड्स आपको बॉक्स के ऊपर से ही दिख जाते हैं। तो मैं अभी आपको इसको ओपन करके भी दिखा रही हूँ। ये मैंने इसको ओपन कर दिया है और रियली गाइस ये मुझे बहुत पसंद है। इसकी जो पैकेजिंग है, इसकी जो बिल्कुल से स्लीक सी इसकी ये पैकेजिंग है, ये मुझे बहुत प्यारी लगती है, इतनी क्यूट सी है। और ये पूरी जो ब्रिक है वो 9 ग्राम्स की है और इसमें 5 शेड्स हैं। आप देख पा रहे हो कि इसमें ये 5 शेड्स हैं और ये 5 शेड्स सारे अलग अलग है। फर्स्ट ये आप इसमें मार्क करो कि इसमें सारे शेड जो है वो अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि मोस्ट ऑफ द ब्रिक्स में क्या होता है कि आप जो भी परचेज करते हो उसमें आपको एक शेड के ही कई सारे कलर्स मिल जाते हैं, मींस लाइट एंड डार्क इस तरीके से आपको शेड मिलते हैं। और ये ब्रिक ऐसी है जिसमें आपको सारे अलग अलग शेड्स मिल रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5। आप इसमें से सारे शेड्स में से कोई भी शेड यूज कर सकते हो, आपको सारे शेड एक बार में ब्रश में आ जाते हैं, वो बहुत ही अच्छा शेड देते हैं। जिसमें से मैं अभी आपको इसका पिगमेंटेशन चेक करके दिखाती हूँ। मैं इसके 3 कलर्स लेने वाली हूँ, ये मैंने अपने फिंगर पे 3 कलर्स इसके लिए हैं और इसको मैं हैंड पे यूज करके आपको दिखाती हूँ। आप इसको देख पा रहे हो इसका पिगमेंटेशन कितना सही है, एक बार में ये आपके स्किन पे अप्लाई हो रहा है। और वैसे भी आपको जब भी कोई आप हाइलाइटर वगैरह यूज करते हो, कोई शिमरी कलर इस तरीके की चीज यूज करते हो, तो पहले आपको फेस पे कॉम्पैक्ट यदि आप यूज कर लेते हो तो स्किन आपकी बिल्कुल भी स्वेटेड नहीं होती, आपको स्वेटिंग या आपका मॉइस्चर टाइप का आपका फेस पे नहीं होता, तो बहुत ही इजी ये ब्लेंड हो पाती है। तो मैंने इसको जैसे यूज किया हुआ है, ये थोड़ा सा मेरे स्किन पे हल्का सा एक बार में यहाँ पे थोड़ा ज्यादा यूज हो गए, ये आप देख पा रहे हो ये बहुत ही प्रॉपर ब्लेंड हो रही है। ये आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखे ये बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो रही है। मैंने तो इसे फिंगर से अप्लाई किया हुआ है, फिंगर से ही बहुत अच्छे से ब्लेंड हो रही है। मैं बाकी 2 शेड्स और आपको दिखाती हूँ। ये मैंने 2 शेड्स उठाए हैं, ये अपने फिंगर पे लिए हैं और इसको मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। ये देख रहे हो आप, ये देख रहे हो ये कितने
सही तरीके से ये ब्लेंड हो रहा है और ये बहुत ही अच्छे तरीके से ब्लेंड हो रहा है। अब मैं इसको यदि मैं इसको मिक्स कर देती हूँ तो ये मेरे फिंगर से ही बहुत ही प्रॉपर तरीके से ब्लेंड हो जा रहा है। यदि अब मैं इसको ब्रश से करूंगी तब तो ये और भी अच्छे तरीके से ब्लेंड होगा। आप ये देख पा रहे हो इसका पिगमेंटेशन कितना अच्छा है। एक बार में एक तो ये स्किन पे अप्लाई हो रहा है, उसके बाद ब्लेंड करने पे ये प्रॉपर ब्लेंड हो जा रहा है और ये कितना सही शेड दे रहा है। मैंने इसमें पांचों के पांचों शेड यूज किए हैं बट यहाँ पे कोई भी पार्टीशन आपको अलग दिखाई नहीं दे रहा है। मीन्स इसका पिगमेंटेशन और इसका ब्लेंड होना ये कितना प्रॉपर तरीके से ब्लेंड हो रहा है। सो फर्स्ट की हाइलाइटर के बिना तो कोई भी मेकअप अधूरा है। आप कोई भी मेकअप करते हो हाइलाइटर के बिना वो अधूरा है गाइस। तो ये जो हाइलाइटर है ये पूरी तरीके से वर्थ बाइंग है। ये जो मैंने ऑनलाइन इसको खरीदा है ये मुझे 300 समथिंग का मुझे रिसीव हुआ है जो कि मुझे बहुत ही पसंद आया, बहुत ही अच्छा लगा। अभी तक का मेरा बेस्ट हाइलाइटर है। मेरे पास एक और हाइलाइटर है स्विस ब्यूटी का बट उसमें भी यही बात है जो मैंने अभी आपको बताया कि एक ही शेड्स के कई सारे शेड्स मिल जाते हैं, एक ही शेड्स के कई सारे कलर्स मिल जाते हैं कि आपको डार्क, लाइट एंड डार्क इस तरीके की चीजें, वैसा ही है वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा क्योंकि मुझे उसमें व्हाइट शेड नहीं मिला, पिंक शेड नहीं मिला और इसमें मुझे पांचों के पांचों शेड मिल रहे हैं। गोल्डन भी है, लाइट गोल्डन भी है, येलो है, पिंक है एंड व्हाइट है। ये सारे शेड मेरे को इसमें मिल रहे हैं जो कि मेरे को मुझे बहुत पसंद आए। सो फ्रेंड्स यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो फ्रेंड्स प्लीज ये मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें और जो मेरा चैनल है मानसी लव्स फैशन के नाम से उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरी सिस्टर का जो चैनल है डांसिंग लवर प्रैक्टिस चैनल आप इसको भी जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। आगे भी आपको इस तरह की वीडियोस मिलती जाएंगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो कमेंट करके मुझे इनकरेज करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। सो फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू फ्रेंड्स।